मैम। यस यस देखियो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। अब आ रही है आवाज? नहीं मैम, अभी भी स्लो आ रही है मैम। मेरी हाँ, आपकी आवाज ठीक आ रही है, उसके यहाँ नेटवर्क इश्यू है। हाँ आपका सुहानी चेक करो नेट बेटा। ओके मैम, आई एम मेकिंग यू होस्ट। ओके मैम। ओके मैम। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओके मैम, आपने कुछ करवाया मैम? मैं अभी जॉइन। नहीं नहीं मैं अभी जॉइन हूँ, कुछ भी फेस नहीं होगा मैम। हाँ ठहरिए बोलो। हमारा चैप्टर वन और चैप्टर टू दोनों हो गया, तो आज क्या करें? चैप्टर टू कहाँ हो गया हमारा? मैम चैप्टर टू हो गया, हमने कहा हमने चैप्टर टेन किया कंप्लीट। यस मैम। और मैम मेरे पास है ना चैप्टर टेन की वर्कशीट, टेक्सचुअल और रिवीजन नोट्स आ गई है मैम। तो मैम आप सोनिया मैम को बोल देना, मैं भेज दूंगा। हाँ उनको भेज दो, आप जैसे भेजोगे मुझे तुरंत ही भेज देंगे। इमीडिएटली सर के साथ है क्या? देवान शुरू करो। रुको, पहले हम करेंगे आज लेसन नंबर टू, द दिल्ली सल्तनत। बाद में आपको करवा दूंगी, जो थोड़ा सा पार्ट बाकी था ना। हाँ धैर्य बोलो मैम। वो कुछ नहीं मैम, मैंने है ना भेज दिया सोनिया मैम को। ओके बेटा वो मुझे भेज देंगे। मैं रीड करूं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर दिल्ली सल्तनत, उसका मैंने ना स्लेव डायनेस्टी एक्सप्लेन कर दिया था देवांश। ठीक है सुहानी, आपको कुछ बात करनी है बेटा? मैम साक्षी मैम को बोल रहे थे। हाँ कुछ एग्जाम का बोले थे कि कल आपकी मंडे है, एग्जाम नहीं है, मंडे एक भी लेक्चर नहीं होगा। हाँ मैम वो तो संदीप सर का आ गया था मैसेज। बस वही है बेटा कि कल की एग्जाम आपकी मंडे को है, पोस्टपोन हो गया। ओके क्लियर एवरीवन? मैम एसेसमेंट मैम 25 आउट ऑफ 25। अच्छा किसने दिया पेपर चेक? मैम सीबीएसई का ग्रुप है ना मैम, उसमें मैम आया 25 आउट ऑफ 25 लिखा था। ऐसा तो पेपर किसने चेक किया? पर मैम ऐसा नहीं था, हमको लगा कि वन वन मार्क का है मैम, हमको लगा कि वन वन मार्क का है सब, इसलिए हमने तो वन वन मार्क का बोला था। मैम मुझे तो दोनों शॉर्ट नोट भी आती थी, मैंने तो शॉर्ट नोट बेटा वन मार्क भी हो सकती है, सौम्य और धैर्य शॉर्ट नोट कभी वन मार्क। मैम मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैम, मैं वो दूसरा जो फिलिंग द ब्लैंक्स और वो सब थी मैम उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो वन वन मार्क ही था, आपको अभी पीडीएफ मिलेगी, देखो मैंने उस हिसाब से मार्क्स भी लिखे। तो मैम मेरी शॉर्ट नोट गलत थी सारी? हाँ बेटा लैंग्वेज ही पता नहीं तुमने क्या लिखी थी, धैर्य ने तो लिखा ही नहीं था। मैम मैंने लैंग्वेज कोई नहीं लिखी, मैंने इंग्लिश का इंग्लिश ही लिखा है मैम। मेरे को गलत लिखा था ना बच्चा, तुमने गलत लिखा है। हाँ देवांश बोलो। मैम मैंने 20 मार्क्स का किया था, कर दिया था ना मैम हमने लेक्चर में, सही है कि गलत? 20 मार्क्स का। हाँ 5 मार्क्स का मैंने शॉर्ट नोट कलेक्ट थी मेरी मैम। हाँ करेक्ट मैम, सब में 5 और राउंड आया था मैम, शॉर्ट नोट वाले में भी 5 मार्क्स का था ना, तो उसमें भी 5 राउंड मैम। 25 सुहानी धैर्य तीनों वीडियो ऑन करो। सुहानी तुम्हें भी यही चैप्टर है, थोड़ा बहुत ये चैप्टर सुन लो। ये चैप्टर मेरे एग्जाम में नहीं है, बस शुरू बाद में तो है ना। एक ही स्लेव डायनेस्टी करवाए वो फिर से ही करवा रहे। सौम्य और धैर्य वीडियो ऑन करो। मैम मैं रीड करूं स्लेव डायनेस्टी? करो वन सेकंड। तेरी टेक्स्टबुक नहीं आई ना धैर्य अभी तक? मैम मैं लास्ट लेक्चर में तो लाया था। अच्छा लेकर आया। सौम्य वीडियो ऑन करो। अब हमारे सबके पास टेक्स्ट बुक है तो किसी का वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। सौम्य यस मैम किया किया यस सुहानी इवन यू ऑन योर वीडियो। चलो
Now the second chapter, this is about the Delhi Sultanate. Delhi has been center of Indian politics. Ancient समय से दिल्ली जो था वो इंडियन पॉलिटिक्स के लिए हमेशा सेंटर रहा है. हम अभी की भी बात करें तो हमारा इंडिया का कैपिटल कौन सा रहा है? दिल्ली. पॉलिटिक्स हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? दिल्ली. तो वो पुराने टाइम से कंटिन्यू है. दिल्ली इम्पोर्टेंट सेंटर सिर्फ पॉलिटिक्स सेंटर के लिए नहीं था, ट्रेड और कॉमर्स के लिए भी था. जब यहाँ पे तोमर चौहान राजपूत यहाँ पे रूल करते थे. दिल्ली जो सल्तनत था वो 13 सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ था. द रूलर्स जो यहाँ पे रूल करते थे वो नॉर्थ इंडिया से बिटवीन 1206 टू 1526 वो यहाँ पे रूल करते थे, जिनको सुल्तान बोला जाता था. इसीलिए वो पूरा जो किंग समय है 12006 से 1526 का जो भी पीरियड है उस पीरियड को दिल्ली सल्तनत पीरियड बोला जाता है. ये रूलर्स जो है यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत में जो रूल करने आए थे वो ओरिजिन इंडिया के नहीं, टर्की के और अफगान के थे. ओरिजिनल वो कहाँ के थे? टर्की और अफगान. इन्होंने टोटल 325 ईयर्स इंडिया में रूल किया. टोटल 5 डायनेस्टीज यहाँ पे आई. ये पांचों की पांच अलग अलग डायनेस्टी या तो टर्की या से अफगान से आई है. और टोटल पूरा जो सुल्तान है डायनेस्टी उसमें 5 अलग अलग डायनेस्टी थी. टोटल 325 इयर्स उन्होंने रूल किया है. कौन कौन सी थी? सबसे पहले यहाँ पे आई स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सियर और लास्ट लोडी. लोडी के बाद आया मोगल डायनेस्टी जो हमारा थर्ड चैप्टर है. हाँ बोलो मैम. लोडी डायनेस्टी का नाम इब्राहिम लोडी वो लास्ट है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे मोगल डायनेस्टी शुरू होती है. उसके बाद कौन सी शुरू होगी? हाँ बोलो मैम. आपने इसमें इल्तुतमिश नहीं करवाया ना? तो अभी मैंने शुरू नहीं किया सुहानी बेटा. I'm coming to it. Coming to it. Wait. Then can I read slave dynasty? Devansh. अभी तो मैं सिर्फ ये चैप्टर में क्या वो समझा रही हूँ. पेशेंस नहीं है थोड़ा भी. अलोंग दिल्ली सल्तनत के साथ साथ ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई हिंदू राजा नहीं रूल कर रहा था. विजयनगर और भामानी एम्परर भी उस वक्त उतने स्ट्रांग थे. तो ये 5 डायनेस्टी के साथ हम दूसरे 2 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, वो है विजयनगर भामानी. स्वामी तुम्हें पता चला हम कौन कौन सी डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? यस मैम, लोधी डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी हो सकता है. चौहान डायनेस्टी हमने पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर में. भेरिया गुड मॉर्निंग. कौन सी डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हम? मैम सल्तनत में 5 डायनेस्टी है. कौन सी 5 है? मेयूक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और लोडी डायनेस्टी. मुझे पता नहीं था कि सुहानी और देवांश का नाम भी धैर्य है. मैम हाँ धैर्य बोलो. खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी से ये डायनेस्टी और लोडी डायनेस्टी, ठीक है. इसके बाद सबसे पहले अब हम शुरू करेंगे स्लेव डायनेस्टी. ओके अब यहाँ पे देखो सारे रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत. सबसे पहला है स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी के बाद में लिखा ईयर, यानी 1206 में उसने यहाँ पे रूल करना शुरू किया था और खत्म कब हुआ? 1290 को. खत्म कब हुआ यहाँ पे? 1290. आजकल हम लोग ऐसे उन्होंने डेट्स अज्यूम किया था कि जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था उसके 100 साल पहले अप्रोक्सीमेट डेट लेते हैं और उसके 100 साल बाद अप्रोक्सीमेट डेट. जीसस क्राइस्ट के बाद ही ये सब पीरियड शुरू हुआ था.
आजकल हम लोग लेते हैं सीई कॉमन एरा, जब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं होता है तो हम यूज करते हैं सीई कॉमन एरा, और ये सारी अप्रोक्सीमेट डेट्स होती है। सुहानी तुमने ये सारा सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, डेट्स को कैसे लेना है ना? यस मैम, बहुत सारा आया था, एडी ईसी सीई राइट। चलो अब यहाँ पे देखो, हमें बताया है कि स्लेव डायनेस्टी ने कितने साल रूल किया है। अब स्लेव डायनेस्टी कैसे शुरू हुआ, हमने फर्स्ट चैप्टर में पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा था। पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन बोरी के बीच में दो बैटल हुई थी, और वो थी बैटल तेहराई। फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, पर सेकेंड बैटल में शहाबुद्दीन बोरी ने उनको डिफीट करने के बाद उन्होंने दिल्ली में उनका सल्तनत डायनेस्टी सेटअप किया। यहाँ पे उन्होंने उनके गुलाम को रखा, स्लेव को बिठा के वो वापस अपने अफगान चले गए राइट। उन्होंने यहाँ पे अपने स्लेव, और वो जो स्लेव को यहाँ पे रखा वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। पर अफगान जाने के कुछ साल के बाद शहाबुद्दीन बोरी की डेथ हो गई, अब कोई भी नहीं था रूल करने के लिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद दिल्ली सल्तनत का किंगडम संभाल दिया, और तब से उस डायनेस्टी का नाम हो गया स्लेव डायनेस्टी। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि सल्तनत पीरियड का फर्स्ट रूलर है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद उनकी डेथ के बाद उनका ही सन इन लॉ और नेफ्यू यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का खुद के भाई का बेटा राइट, वो नेफ्यू होता है। सन इन लॉ यानी के कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी के साथ जिस लड़के ने शादी की, यानी जमाई जिसको हम बोलते हैं राइट, वो इल्तुतमिश था, वो उनका नेफ्यू भी था और सन इन लॉ था। सल्तन में मुस्लिम में चाचे के बेटे के साथ ही अपनी बेटी की शादी कर लेते थे राइट। वी विल कम, हमने वो रणवीर सिंह की पद्मावत मूवी देखी थी। Yes, ma'am. उसमें वो खिलजी बना था, अलाउद्दीन खिलजी बना था राइट। उसने किससे शादी की थी, उसके ही चाचा के बेटी के साथ शादी की थी, जलाउद्दीन ठीक है। तो इस तरीके से होता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद सारा जो भी किंगडम था वो संभाला इल्तुतमिश ने। किसने संभाला, वो इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने पूरा एम्पायर काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप किया था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी था इल्तुतमिश। ओके, अब दूसरी बात ये है कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, हम सबको पता है फेमस कुतुब मीनार है दिल्ली में। Yes, ma'am. दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो कुतुब मीनार कंस्ट्रक्ट करने का काम ऑर्डर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो वो कंप्लीट किया था इल्तुतमिश। क्लियर। अब इल्तुतमिश के तीन बेटे और एक बेटी थी। अब जब इल्तुतमिश की एज हो गई और उसने डिसाइड किया कि मेरे बच्चों में से कोई अपना ये किंगडम संभालेगा, तो उन्होंने सभी बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन रखी, जो ज्यादा एफिशिएंट और कैपेबल होगा वो स्लेव डायनेस्टी संभालेगा। आफ्टर कंपटीशन दैट वाज प्रूव्ड दैट रजिया सुल्तान जो उनकी बेटी थी, जो उनके बेटों से ज्यादा कैपेबल थी, वो थ्रोन पे आई। सो रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ सल्तनत, पहली ऐसी वुमेन रूलर जो दिल्ली सल्तनत संभाल रही थी। पर अब किसको प्रॉब्लम था, नोबल्स मुस्लिम्स में, यानी ये जो सल्तनत है वो इस्लामिक धर्म फॉलो करते थे, उनके कुछ नोबल्स होते हैं, जैसे हमारे हिंदू में पंडित होते हैं ना, प्रीस्ट होते हैं, महाराज होते हैं, वैसे उनके नोबल्स होते थे जिनको बोला जाता था उलेमास और उरेमास। ये दो रॉयल नोबल फैमिली होती थी, ये लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई वुमेन रूल करे और हमें वुमेन का सारा मानना पड़े राइट। तो उन्होंने कैसे भी करके वो रजिया सुल्तान को हटा दिया। कुछ साल के बाद रजिया का भाई आया स्लेव डायनेस्टी पे, उसने 21-22 इयर्स तक रूल किया। वो जब वीक हो गया, उसके बाद एक नोबल स्लेव डायनेस्टी का ही नोबल गयाजुद्दीन बालबन रूल करने आया, और बालबन ने 22 इयर्स तक रूल किया, तब तक खिलजी डायनेस्टी टर्क से एंटर हो गई थी। उसने उन पे हमला किया
गयाउद्दीन बालबन डिफीट हो गया और खिलजी डायनेस्टी शुरू हो गई। क्लियर देवांश? मैंने ये समझा दिया स्लेव डायनेस्टी तुम्हें पढ़ना। मैम वीडियो ऑन रखो बेटा। मैम ऐसा नहीं था कि ये रजिया सुल्तान जो है उसके जो ऐसे हम जैसे मंत्री बोलते हैं ये रजिया सुल्तान बोलती थी कि यहाँ बाढ़ आई है तो वहाँ खाना दे आओ, तो वो नहीं देते थे, उल्टा वसूलते थे, ऐसा कुछ नहीं था हमारे स्कूल में। हमारे मैम ऐसे बोल रहे थे इसलिए। क्या बाढ़ आई मैम? फ्लड 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 तो मैम वो खाना देने को बोलती थी ना अपने मंत्रियों को, तो वो नहीं देते थे, ऐसा करते थे ना, इसलिए उसको मार नहीं करते थे। वो क्यों नहीं करते थे? मंत्री उनका कोई भी मानते नहीं थे, बिकॉज दे डिडंट वांटेड अ वुमन टू ऑर्डर देम। उनकी ईगो को हर्ट हो रहा था कि वुमन हमें क्यों ऑर्डर दे रही है, ठीक है? yes, और इसलिए वॉर हुआ और उन्हीं लोगों ने उसको मार डाला। yes, मैम जैसे वो गुजन सकते हैं हमें। हाँ यस मैम करो रीड। हाँ करो। स्लेव डायनेस्टी In 1192 AD, in the Second Battle of Tarai, Shihabuddin Ghori won a decisive victory over Prithviraj Chauhan and laid the foundation of Delhi Sultanate. 1206 AD, after the death of Muhammad Ghori, his slave Qutubuddin Aibak became the first Sultan of Delhi Sultanate. During his regime of only 5 years, he tried to retain the Sultanate power. He fell from the horseback while playing polo and died in 1210 AD. After his death, his slave as well as his son-in-law Itutmish came to the power. He established Chahalgami Charvan, a force of 40 Turkish nobles to make Sultanate supreme. He shifted the capital from Lahore to Delhi. Itutmish is considered to be the true founder of the slave dynasty. Itutmish did not find any of his sons deserving the positions of the Sultan, so he declared his capable daughter Rasiya Sultan as his successor. Shortly after the death of Utthutmish, his daughter Rasiya ascended the throne of Delhi. She was the first woman ruler to ascend the throne of Delhi. Minhaj-e Siraj, a historian of that time, also admitted that Rasiya was more capable to become Sultan as compared to her brothers. Yet it was difficult to gain recognition as a woman ruler. Even the courtiers were not willing to accept her as an independent ruler. Her rule came to an end because of greed for power of the nobles and the ongoing rebellion. The state was in turmoil for 6 years after her death. The nobles enthroned Itutmish's son Nasiruddin on the throne of Delhi. He ruled for 21 years after his death. Ghiyasuddin Balban came to the throne. He destroyed the Chahalgami force and overthrew the grip of the nobles from the regime. He strengthened the king's position. Balban was a patron of literature and art. After his regime of 22 years, within short time, the Khilji dynasty was established in Delhi Sultanate. ओके नाउ लिसन, यहाँ पे हमें नहीं बताया है एक चीज है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या एस्टेब्लिश किया था, चारगन चहलगानी फोर्स ऑफ 40 टर्किश नोबल्स, ठीक है? रुको सौम्य, फोर्ट ऑफ टर्किश नोबल्स। अब देखो हुआ क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो
पोलो खेल रहे थे, गेम खेल रहे थे, जिसमें से वो घोड़े में से गिर गए और एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनका बेटा था आमर, उसको थ्रोन पे बिठाया गया। पर ये जो नोबल्स थे ना, टर्किश नोबल्स, आमर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था राजा की तरह, तो उन्होंने अपोज किया और उन्होंने इल्तिमिश को बोला कि भाई तुम थ्रोन पे आओ। पर ऐसे तो वो थ्रोन पे आ नहीं पाएगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सन था आमर और इल्तिमिश के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें उन्होंने आमर को हरा दिया और इस तरह इल्तिमिश थ्रोन पे आया। क्लियर? हाँ सौम्या बोलो क्या हुआ। मैम जैसे रजिया सुल्तान, ऐसी कोई सुल्तान नहीं थी। नहीं, उसके बाद तो बहुत सारे रूलर क्वींस आई। हाँ, दुर्गावती थी राजपूत रूलर में। क्या सौम्या? सुल्तानी नहीं होता मैम, लड़की है तो सुल्तानी नहीं, सुल्तानी रखा उन्होंने उस वक्त, उन्होंने फीमेल मेल में कुछ फर्क नहीं रखा। हाँ धैर्य, मैं वो पोलो मतलब वही गेम ना जो घोड़े में से खेलते हैं, उससे वो गिर होती है, लॉन्ग स्टिक होती है, एक बॉल होता है, और बॉल होता है, मैं उससे घोड़े से मार दूं। यस, उस पे खेलते हैं। अब यस, अभी देखो रजिया सुल्तान की डेथ कैसे हुई। ठीक है, रजिया का जो चाइल्डहुड फ्रेंड था, उसी ने उसके खिलाफ कॉन्स्परेसी की, और उसका जो दूसरा भाई था उसके साथ मिलकर रजिया के साथ उन्होंने बैटल की। ठीक है, जो टर्किश नोबल्स थे उन्होंने भी रजिया का साथ नहीं दिया, और कैसे भी करके उन्होंने उस बैटल में उसको हरा के मार डाला। इस तरह से रजिया का हुआ। ओके मैम। यस मैम, बट आपने बोला कि उस वक्त गर्ल्स बॉयज में कोई फर्क नहीं करते थे, तो फिर रजिया जब ऑर्डर या वो सब देती थी कि ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, फर्क नहीं करते थे। नहीं, उसके उसके फादर को लगा कि ये कैपेबल है। और रजिया की जब डेथ हुई ना, नहीं देवांश नहीं आ रही है तुम्हारी आवाज, तो वो सिर्फ 35 ईयर्स की थी। नहीं मैम, आपने बोला ना कि सुल्तान सुल्तानी क्यों नहीं रखा, ये सौम्य बोल रहा था। मुझे ऐसे बोल रहा है तो मुझे क्या पता वो सुल्तानी क्यों नहीं रखा। मैम पर अब मेरी पूरी बात तो सुनो। हाँ बोलो बोलो मैम। तो फिर वो जब थ्रोन पे आ गई ना, तो उसके बाद तो उसको मारा गया क्योंकि वो गर्ल थी और वो रूल कर रही थी, तो फिर उसमें सब गर्ल्स वॉइस का फर्क नहीं दिखा उन लोगों को। मैम इसलिए पूछ रहा था कि सुल्तानी ही बोलते हैं, पर हमारे स्कूल के मैम ने ऐसा बोला था कि वो है ना एज अ सुल्तान, जैसे ही कपड़े पहनती थी शी ड्रेस लाइक अ मैन, वो मैन के तरह ड्रेस करती थी, ओपन दरबार में बैठती थी वो। ठीक है, इफेक्टिव रूलर थी। ठीक है, वो मैन का ट्यूनिक, मैन का क्राउन पहनती थी, सारे कस्टम्स जो होते थे उसके अपोज करती थी। वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि खुद एलिफेंट को राइड करके वॉर पे जाती थी। समझ में आया? वो इतनी कैपेबल थी कि उसके भाई इतने कैपेबल नहीं थे। मैम जो ये पिक्चर दिया है वो ना? हाँ वही। हाँ देवंश बोलो। बोलो देवंश क्या हुआ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। Your voice is not coming. मैम उसको बोलो कि अपना रीजॉइन हो, ये अपने हेडफोन्स निकाल दो बेटा। मैम उसको बोलो कि वो हेडफोन्स निकाले। हेडफोन्स नहीं देवांश। चलो देवांश यू चेक विद इट बेटा, बार बार ऐसा हो रहा है। नाउ वी विल कम टू द खिलजी डायनेस्टी। अब जो दूसरी डायनेस्टी है, द रूल ऑफ खिलजी डायनेस्टी स्टार्टेड। देवांश आप रीजॉइन हो। द रूल ऑफ खिलजी डायनेस्टी स्टार्टेड विद द रूलर ऑफ जलाउद्दीन।
He can't wait for you. Beta, rejoin. The rule of Khilji dynasty started with the ruler of Jalaluddin. अब ये जो Khilji dynasty है वो किन से rule के साथ start हुआ Jalaluddin? After 6 years. मैम मेरे पास उसका है तो मैम मैं उसे मैसेज करूं. मैंने किया उसको रिजॉइन हो जाएगा रिजॉइन. ओके खिलजी डायनेस्टी स्टार्टेड विद द रूलर ऑफ जलाउद्दीन. ठीक है 6 ईयर जलाउद्दीन ने 6 ईयर यहाँ पे रूल किया. उसके बाद अलाउद्दीन आया. उसने उसका पूरा एम्पायर नॉर्थ इंडिया गुजरात साउथ सब जगह पे उसने क्या किया कैप्चर किया. Okay, captured everywhere. He started system of keeping permanent army. उसने अपने पास एक permanent army रखी. उसने system कैसा start किया? हाँ देवान शब्दी तुम्हारी बात. हाँ आई. Yes ma'am. Okay. धैर्य क्या doubt है बेटा? मैं video off रखूँ. हाँ video off रखो. धैर्य. No मैं वो पहले से ही था ना इसलिए करना भूल गया. हाँ. अब देखो इसने ना अलाउद्दीन खिलजी ने सिस्टम ऑफ मार्क डार्क जिसको बोलते हैं चेहरा फेस उसके पास परमानेंट आर्मी थी और उसने अपनी आर्मी अपने सोल्जर्स का एक फिक्स रखा था लोगों एक मार्क रख दिया था डार्क रख दिया था घोड़े पे कि ये उसका घोड़ा है. ठीक है उसकी आर्मी उसका सोल्जर्स किसी के साथ मैच ना हो इसलिए एक पर्टिकुलर चेहरा एक पर्टिकुलर हॉर्स पे डाक वो इंट्रोड्यूस उसने किया था. प्राइस रेगुलेशन हर एक चीज की एक फिक्स प्राइस होती है. आज हम शॉप में कुछ लेने जाते हैं तो हर एक की एक फिक्स प्राइस होती है ना. ऐसा नहीं है कि सुहानी के घर में शॉप है वहां पे बिस्किट 5 रुपीज के मिल रहे हैं. डेरिया की दुकान डेरिया के घर के पास है वहां पे 25 रुपए का मिलता है. नहीं तो अभी हमने एक फिक्स प्राइस कर दिया कि ये चीज इतनी ही दाम की होगी. उस वक्त अलाउद्दीन ने एक फिक्स प्राइस रख दिया था. वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता था कि कोई किसी को ज्यादा दाम में चीजें ना सेल कर दे. यहाँ पे होर्डिंग दिया है होर्डिंग रेगुलेशन. होर्डिंग यानी कि क्या आपके पास आप दुकानदार हो आपके पास जब सामान आता है तो आप जानबूझ के उसको अपने गोडाउन में रखते हो राइट. जब मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाता है शॉर्टेज हो जाती है तब आप उसका दाम बढ़ा के ब्लैक में मार्केट में बेचते हो. तो वो उसका ध्यान रखता था कि कोई ब्लैक मार्केटिंग करे नहीं. अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के बाद गयाजुद्दीन तुगलक ने खिलजी डायनेस्टी को एंड किया और तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हुई. धैर्य ये पढ़ो. मैम ये ना खिलजी डायनेस्टी. यस द रूल ऑफ खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट विद द रूलर जलाउद्दीन आफ्टर 6 ईयर्स रूल ऑफ जलाउद्दीन अम्बिशन सुल्तान अलाउद्दीन कम टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली. ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर फॉर कॉन्क्यूरिंग नॉर्थ इंडिया गुजरात एंड साउथ इंडिया. ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ कीपिंग परमानेंट आर्मी इन दिल्ली. In introduced a system of mark, dang, face, chehal, or distinctive identification of army horses and soldiers. He also made administrative reforms like price regulation marked. Control and holding regulation after the death of
अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट वॉज इन टर्मोली टर्मोइल टर्मोइल गिवास गिवास युद्दीन तुगहाल लग वॉज द वन who ended the Khilji dynasty and start the Tughlaq rule from the throne of Delhi. Okay. चलो अब ये यहाँ पे कोई डाउट है कोई बोलिया कैसे अच्छा tremendous यानी बहुत सारा tremendous wealth yes too much of wealth plenty okay know this famous poet Amir Khusro was there during the rule of Alauddin Khilji. ये famous poet है Amir Khusro. ये know this सौम्य धैर्य देवांश तीनों को टिक करना है टेक्सटबुक में. ना मैम the famous poet Amir Khusro वाला मैम कहाँ पे मैम आप गए मैम कहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है ये मैम चिपक गए शायद से नो दिस में कब तुगलक डायनेस्टी के ऊपर तुगलक मैम आप चिपक गए थे हाँ सॉरी हाँ मैम कहाँ पे मैम कहाँ पे अंडरलाइन करनी है सॉरी सॉरी मैं बता रही हूँ नो दिस में अंडरलाइन करना है बेटा नो दिस जो है ना आमिर खुशरो वाला समझ में आया बेटा मैं पूरा यस वो पूरा अंडरलाइन करना है ऑब्जेक्टिव के लिए उसको रीड करना है कुछ लिखना नहीं है आज कुछ लिखना नहीं है ओके अब हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी का सबसे एफिशिएंट टैलेंटेड सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने बहुत सारे नए नए पॉलिसीज लाए थे जिससे उसका किंगडम बहुत आगे बढ़े पर ये सारे जो उसके पॉलिसीज थे उसकी वजह से उसने तुगलक डायनेस्टी को वीक बना दिया था तुगलक डायनेस्टी कैसे हो गया था वीक हो गया था ठीक है ड्यूरिंग दी तुगलक डायनेस्टी ही इम्प्लीमेंटेड स्कीम्स जैसे कैपिटल उसने दिल्ली से शिफ्ट कर दिया दौलताबाद फिर उसने गोल्ड और सिल्वर के कॉइन करेंसी को बंद करके कॉपर करेंसी अचानक से शुरू किया ये सारे उसके प्लान फेल हो गए सारे फेल हो गए जिसके वजह से तुगलक डायनेस्टी वीक हो गया अब उसी वक्त एक अफ्रीकन ट्रेवलर आया था जिसका नाम था इब्न बतूता उसने ये बोला कि ये जितनी भी स्कीम्स थी वो सभी स्कीम्स कैसी थी एसेंट्रिक स्कीम्स थी यानी कोई भी स्कीम्स का कोई भी फायदा नहीं हुआ था मोहम्मद तुगलक के बाद उसका भाई आया फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक के बाद तैमूर लांग जिसने दिल्ली को इन्वेड किया और यहाँ के बाद तुगलक डायनेस्टी खत्म हुआ और सीयद और लोडी डायनेस्टी आई आई हैव टू सी बेटा इन योर टेक्स्ट बुक मेहरूली आई गेस इट इज अ प्लेस क्या है पूरा सेंटेंस पढ़ो मैम द गेटवे ऑफ बालबंस टॉम्ब एट मेहराउली मैम वापस पढ़ो सॉरी वापस पढ़ो मैम सी द गेटवे ऑफ बालबंस टॉम्ब एट मेहराउली इट इज अ प्लेस बेटा उसका टॉम्ब है ओके मैम ओके क्लियर इस मेंबर इस स्कीम एक मिनट पहले सौम्या पढ़ेगा फिर आपको जो भी डाउट है वो अंडरलाइन करना फिर मुझे पूछना चलो सौम्या आपको तुगलक डायनेस्टी पढ़ना है तुगलक डायनेस्टी ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी मोहम्मद बिन तुगलक was one of the most talented sultan he implemented some schemes during his rule including relocation of the capital from delhi to dalutabad symbolic currency experiment etc most of the scheme failed due to lack of
मैम ये क्या है PRACTICLITY? एक मिनट, मोस्ट ऑफ स्कीम्स फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी, यानी कोई भी प्रैक्टिकल नहीं थी, कोई भी चीज पॉसिबल नहीं थी. प्रैक्टिकलिटी एज वेल एज लैक ऑफ प्लान्ड इम्प्लीमेंटेशन ही हेंस दिस स्कीम हैव गॉन डाउन इन हिस्ट्री एज इलेक्ट्रिक एरेटिक स्कीम्स इवन बुक्ड एन अमेरिकन ट्रैवलर विजिट इंडिया. अमेरिकन नहीं बेटा, वो अफ्रीकन ट्रैवलर है. अफ्रीकन ट्रैवलर इवन बटूटा. इवन मैम क्या? इवन बटूटा. इवन बटूटा एन अफ्रीकन ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक. मोहम्मद तुगलक वॉज सक्सेस बाय हिज पैटर्नल कजिन. पैटर्नल कजिन यानी उसके उसकी मम्मी के साइड से. फिरोज शाह तुगलक. आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह तैमूरलग इन्वेडेड यानी दिल्ली में घुस आना. 1398 AD to 1399 AD. Okay. चलो, कोई डाउट है किसी को? मैम स्कीम्स मतलब एग्जैक्टली क्या, उसको ऐसा वर्ड कौन सा? स्कीम्स यानी जो प्लान्स लेकर आते हैं ना, नए नए प्लान्स लेके आते हो वो. अब आएगा सीओ द डोमिनेट. नगर जज नगर क्या? CAJNA मैम. JAJNAGER क्या है? पूरा पढ़ो. He also added Telangana, Jajnagar and Bengal to his kingdom. Jajnagar है क्या है? हाँ, उस वक्त होगा कोई प्लस प्लेस तेलंगाना के नजदीक. हाँ, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं था उसके लिए ये सब संभालने के लिए. ओके, अबे सीयर डायनेस्टी और लोडी डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी के बाद सीयर डायनेस्टी एस्टैब्लिश की, ये किसने किया? खिजर खान ने किया. आफ्टर सीयर डायनेस्टी बालो लोडी ने लोडी डायनेस्टी एस्टैब्लिश की. अब यहाँ पे आया अफगान रूलर. बालोल सबसे पहला अफगान रूलर था लोडी सल्तनत का. लास्ट एम्परर ऑफ लोडी डायनेस्टी वॉज इब्राहिम लोडी. उसको डिफीट किया था बाबर. मुगल था वो. वो बैटल थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526. इसके बाद सुल्तान एरा खत्म हो गया और मोगल एरा शुरू हुआ. ओके देवांश, ये सीयत वाला पढ़ लो. यस मैम. यस मैम, सीयत डायनेस्टी वाला. हाँ यस मैम. आफ्टर द एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी Khizr Khan established the Sayyid dynasty. After the Sayyid dynasty, Bahlol Lodi established the Lodi dynasty. Bahlol was the first Afghan ruler of the Lodi Sultanate. The last emperor of the Lodi dynasty was Ibrahim Lodi. He was defeated by Babur in the first battle of Panipat in 1526 AD. And Sultanate era came to end, and Mughal rule started. Okay, चलो अब आएगा state administration. यहाँ पे सल्तनत सारे राजा के बारे में हमने तो पढ़ लिया. अब ये सारे जो सल्तनत राजा थे वो उनका administration कैसे संभालते थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो दिल्ली सल्तनत था जो एस्टेब्लिश 13th सेंचुरी में हुआ था, उसका जो स्टेट संभालने का एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत अलग था. सल्तनत का पावर था वो पैरामाउंट था, यानी सुप्रीम पावर.
यहाँ पे आपको वर्ड दिया पैरामाउंट, जिसका मतलब सुप्रीम पावर, उसका जो पावर है वो सबसे बड़ा पावर है, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर, वो जो पूरे आर्मी का लीड होता था, सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम हेड, किसका, एग्जीक्यूटिव का, सुप्रीम जज, ये सब सल्तनत राजा संभालते हैं। उसने एक कैबिनेट यानी कि एक 7, 8, 9, 10 मिनिस्टर की एक टीम बनाई थी जिसको कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो ऑफिशियल होते थे, सुल्तान खुद उन सबको अपॉइंट करता था कि कौन उनके लिए काम करेगा। सल्तनत सिस्टम 3 सेक्शन में डिवाइड था, बेसिकली जो हम अभी वही सेक्शन फॉलो करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की जगह पे प्रोविजनल गवर्नमेंट लिखा है, और लोकल गवर्नमेंट। समझ में आया? यस मैम। ओके डेरिया, वीडियो क्यों ऑफ है तुम्हारा? यस मैम, समझ में आया, पर वीडियो क्यों ऑफ है मैंने वो पूछा। देवांश के तो नेट में प्रॉब्लम है, इसलिए उसने वीडियो ऑफ रखा है। चलो डेरिया पढ़ो, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वाला फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। चलो। यस मैम, The Delhi Sultanate, which was established in 13th century, was unique in terms of state governance. The Sultan was the center of the Delhi Sultanate. The power of Sultan was paramount, matlab supreme. Yes, ma'am. He was also the supreme commander, the supreme head of the executive, and the supreme judge. There was a cabinet to the head the Sultan. Cabinet ministers and officials were appointed by the Sultan himself. The Sultan system was divided into 3 sections, namely central, provincial, and provisional and local. Okay, so सबसे पहले central rule यानी कि दिल्ली, जहाँ से main rule किया जाता है। कैबिनेट सबसे चीफ था, सुल्तान के बाद जो दूसरा है चीफ होता था वो कैबिनेट होता था। सुल्तान चीफ मिनिस्टर, सुल्तान का जो चीफ मिनिस्टर था उसे बोला जाता था वजीर, उसे क्या बोला जाता था, वजीर, जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का हेड संभालता था। कैबिनेट में आर्मी होता था, फिर पोस्टल होते थे, पोस्टल हेड होते थे, फिर डिपार्टमेंट हेड होते थे, रिलीजियस डिपार्टमेंट होते थे, फिर फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट होते थे, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होते थे, राइट। दस मोर और लेस मॉडर्न कैबिनेट, लेस अरेंजमेंट वाज सीन एट दैट टाइम, अरेंजमेंट वाज लेस सीन एट दैट टाइम। ओके, तो ये सेंट्रल रूल था। सौम्य, यू हैव टू रीड द सेंट्रल रूल। The cabinet was the chief after the Sultan. The Sultan chief minister was called the Vizier, who was the head of the administration. Besides this, the cabinet consisted of army, postal department, religious department, foreign affairs department, intelligence department, etc. Thus, more or less modern cabinet like arrangement was seen at that time. Okay, ab know this hai, wo aapko pick kar dena hai. During the time of Alauddin Khilji ne ek postal system shuru kiya tha, theek hai. Post system to aapko pata hai na, dakia, runners jo hota tha na, ab us waqt to cycle thi nahi, to ghor sawar hote the, wo royal messages aur order एक दूसरे को पास करते थे। ये रनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे स्टेट्स के लिए। ये करंट पोस्टल सिस्टम जो है, अभी वो साइकिल पे आते हैं, उस वक्त वो घोड़े पे होता था, ठीक है। डाकिया बोलते थे, डाक चौकी, पोस्ट ऑफिस उसे डाक चौकी बोलते थे।
समझ में आया ये नो दिस और ये शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने मैम बट yes. अगर मैम अगर वो घोड़े को एक लात मारेंगे वो तो चलने लगेगा ना बट साइकिल को तो हमें वैसे पैंडल नहीं करना पड़ेगा नाउ सेकंड इज प्रोविजनल रूल यानी स्टेट सल्तनत में जो प्रोविंस था वो डिवाइड होता था जागीर में विच वर कॉल्ड इक्तास हेड ऑफ इक्ता जो था जो एक पर्टिकुलर एरिया का हेड था उसको इकतदार या मुक्ति बोला जाता था स्टेट यानी प्रोविंस प्रोविंस आगे डिवाइड होते थे सिटी में सिटी यानी जागीर हर एक जागीर को इकत बोला जाता था हर एक सिटी का हेड होता था वो इकतदार या मुक्ति उस वक्त उसको प्रोविंस बोलते थे अब हम स्टेट बोलते हैं इस वक्त हम लोग सिटी बोलते हैं उस वक्त वो लोग जागीर बोलते थे अलग अलग जागीर में यानी अलग अलग सिटी हर एक सिटी का जो हेड होता था उसको इकत बोलते थे इकतदार या मुक्ति बोलते थे जो संभालता था वो स्टेट का जुडिशरी एग्जीक्यूटिव सब कुछ सुल्तान को आर्मी भी देने का काम उसका था रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी काम उसका था ओके ये समझ में आ रहा है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के वक्त जो सेंट्रल आर्मी थी वो सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश करती थी ये इकतदार यानी जितने भी हेड्स होते थे जागीर के वो इम्पोर्टेंट थे वो सारा कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्ट करके उनको देते थे धैर्य पढ़ो तुम प्रोविजनल रूल पढ़ो यस मैम दिल्ली ड्यूरिंग द सुल्तानेट द प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू जागीर which were called Iktas. The head of Iktas was called Iktadar and Mukti was the head of executive and the judiciary of province. His job was to provide army to the Sultan whenever needed and to collect the land revenue. However, in the time of Alauddin Khilji and Mohammad Tughlaq, the central army was given importance and control over Iktadar and established. Okay. Any doubt till now? Ma'am? ये जागीर का मतलब क्या होता है जागीर यही पूरा स्टेट छोटे छोटे सिटी में डिवाइड है उसको जागीर बोलते हैं और मैम ये इक्तास जिसको उन्होंने नाम दिया था इक्तास वो हर एक सिटी का जो हेड होता था उसको बोला जाता था इकतदार या मुक्ति यस मैम अब लास्ट है लोकल गवर्नमेंट यानी कि जब हम विलेज बोलते हैं ठीक है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हर एक प्रोविंस तीन पार्ट में डिवाइड था डिस्ट्रिक्ट तालुका और शिक एंड परगनास विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था उसका हेड था मुखी या मुखादम और वो पटवारी को हेल्प करता था पटवारी का क्या काम है कि हर एक विलेज का जो लैंड है वो लैंड की मेजरमेंट देखना वो लैंड में से रेवेन्यू कलेक्ट करना वो पटवारी का काम था ओके लोकल गवर्नमेंट था हर एक जो स्टेट है उसमें डिस्ट्रिक्ट तालुका कॉल्ड शीक एंड परगनास डिस्ट्रिक्ट को शीक बोलते थे तालुका को परगनास बोलते थे उस वक्त अब हम जो डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं अहमदाबाद इज अ डिस्ट्रिक्ट उस वक्त उसको शीक बोलते थे तालुका को वो परगनास बोलते थे और इनका हेड जो होता था वो मुखी या मुखादम होता था और क्लर्क और पटवारी इनको हेल्प करते थे क्लियर टिल नाउ यहाँ तक डाउट है नो मैम अब है फोर्ट्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन ठीक है ये देखो यहाँ पे कुतुब मीनार दिख रहा है आपको और ढाई दिन का झोपड़ा दिख रहा है दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे इस्लामिक स्टाइल के आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्ट हुए थे जैसे फोर्ट होना मॉस्क होना टूम्ब होना हाउसेस गार्डन गेट्स मीनारत यहाँ पे एक मॉस्क का नाम दिया है कुवेदुल इस्लाम जो दिल्ली में बिल्ड किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने
ये लाइन आप सबको अंडरलाइन करनी है, ऑब्जेक्टिव में आएगा. मॉस्क बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक कुवैतुल इस्लाम. दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिल्ड किया था कुतुब मीनार. ओनली वन फ्लोर इट वॉज कंस्ट्रक्टेड. उल्तुमिश ने बाकी का कंप्लीट किया क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की सडन डेथ हो गई थी. रिनोवेशन उसको किया फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोडी, इसको रिनोवेट करते रहे. अनदर बिल्डिंग जो कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त बिल्ड किया था वो दूसरा मस्जिद था मॉस्क, जिसको बोला जाता है ढाई दिन का झोपड़ा. अजमेर में है ये ढाई दिन का झोपड़ा. कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इल्तुमिश, इल्तुमिश ने हौजे शामी यानी वाव हौज शामी ईदगाह जामा मस्जिद. तो सब रीड कर रहे हैं, वो सबको अंडरलाइन करना है? नहीं है तो इम्पोर्टेंट सब. अलाउद्दीन खिलजी के बाद अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट, सीरी हौजे खास, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, हजर, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहबाद, ये सारे उन्होंने किए थे. काफी सारे फोर्ट्स, मॉस्क, बिल्डिंग, ब्रिजेस हमें देखने को मिलते हैं. टूम्स एंड मॉस्क सियद लोडी डायनेस्टी के बाद. बंडे खान्स डोम, बदांग गुम्बज, मॉट्स मॉस्क, शाइबुद्दीन टूम्स. ये पूरा जो पैराग्राफ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, सब आपको याद रखना पड़ेगा. मेन है ढाई दिन का झोपड़ा, कुवैतुल इस्लाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुब मीनार. ओके चलो, अभी नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगी. क्लियर? यस मैम. अभी आप लोगों को इंग्लिश का लेक्चर है ना? नो मैम, नहीं साइंस का है. साइंस का है मैम, मैं लेफ्ट हो जाता हूँ मैम. हाँ तुम लेफ्ट हो जाओ. गुड आफ्टरनून मैम. आपको होस्ट बना दिया, मीटिंग एंड मत करना, मुझे रिंग करना, मैं एंटर होंगी, मुझे होस्ट बना के फिर लीव करना. ठीक है मैम. वो आप है ना चिपक गए. नहीं मैम, अब आप क्लियर हो. यस मैम. और मैम हमें होमवर्क में क्या देने जाना है, क्योंकि मैम आप तो हमको रीड करने को लिए दे रहे थे. मैंने क्या बोला कि स्कूल में जो क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था ऑब्जेक्टिव मत लिखना, क्वेश्चन आंसर्स आपको होमवर्क में लिख के बताना है. हाँ मैम, वो तो मैंने लिख दिए मैम. हाँ, मुझे तो एक भी क्वेश्चन आंसर दिए ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? और मैम मेरे असाइनमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने अभी तक नहीं लिखा है. मैं मैम मुझे तो दिए है, बट है ना मैम थोड़े थोड़े एक दो दिए. मैम आप तो क्यों नहीं दिए? मैम पता नहीं, शायद अब देंगे. क्या अब देंगे? इतने स्कूल में चार चैप्टर चल गए, चारों में से किसी का कुछ नहीं दिया है? मैम दिया है, पर मैंने लिखना रह गया क्योंकि मैम साइंस का ही और बाकी सब का असाइनमेंट चल रहा था ना, तो वही सब मैं मेरी स्कूल की नोटबुक में लिख रहा था. हाँ तो नेक्स्ट लेक्चर तक लिख के बता देना. तो मैम अभी मैं देने क्या जाऊँ? अभी वो मुझे क्या पता, बोल देना अभी आपको जो भी रीजन है कि भाई लिखवाया नहीं है तो लिखा नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम टर्न में आएगा तब दे देंगे, ऐसे इन्फॉर्म कर देना. मैम मैं भी ऐसे ही करूँ ना? हाँ तो धैर्य, आप तो बोल रहे हो कि मुझे तो कुछ लिखवाया ही नहीं है, तो फिर बताओगे क्या? मुझे मैम वो एक चीज बता सकता है. धैर्य क्या बोल, मुझे क्या? मैम मुझे है ना वो वर्कबुक नहीं है, उसमें सब कुछ लिखते है, दूसरे कुछ असाइनमेंट, थोड़े थोड़े सब्जेक्ट.
ये मैंने बोला था कि वर्कबुक में से ऑब्जेक्टिव मत लिखना लेकिन क्वेश्चन आंसर लिखना, ऐसा मैंने बताया था उस दिन भी बोला था। यस मैम। तो मैम अब क्या करूं? अब नेक्स्ट टाइम में बता देना, भूल देना फोन करके। ठीक है मैम। मैम आज क्या करना है? अभी स्कूल में कितने चैप्टर चले आपके? मैम स्कूल में तो अभी मैम हमारे स्कूल में 4 चैप्टर है। मैम हमारे स्कूल में 7 है ना, आधा हो गया 7 चैप्टर। मैम हमारे स्कूल में 4 सुहानी हमारा तो 7 चैप्टर चालू है ना, हम 7 कंटिन्यू रखेंगे। क्या मैम फिनिश हो गया? फिनिश हो गया ना बस। तो और सौम्य और सौम्य धैर्य। यस मैम। हाँ हम लोग है ना फिफ्थ लेसन के, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देती हूँ। मैम आपने दे दी है तो लिख लिए। यस आपके सामने लिखे थे। अच्छा तो चलो ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है ना वो ट्यूशन बुक में करो। मैम ओनली लेसन 5 की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ट्यूशन बुक में करो। मैम पर ओनली आंसर ही लिखना है ना। एक मिनट, लेसन 4 की टेक्स्टुअल एक्सरसाइज हो गई? 60 सेकंड। हो मैम। लेसन 4 की बाकी है ना टेक्स्टुअल एक्सरसाइज? यस मैम। हाँ तो लेसन 4 हमने 1, 2, और 3 का लिख दिया ना टेक्स्टुअल एक्सरसाइज। यस। थर्ड की भी लिख दी ना टेक्स्टुअल। हाँ तो फोर्थ की टेक्स्टुअल एक्सरसाइज लिखो सौम्य धैर्य। और क्वेश्चंस लिखने हैं ओ धैर्य, क्वेश्चंस लिखने, क्वेश्चन बगैर क्या पता चलेगा क्या लिखा। ओके और क्वेश्चन विद ब्लैक पेन एंड आंसर विद ब्लू पेन, अगर आज नहीं है तो चलेगा लेकिन नेक्स्ट सेशन से ब्लैक पेन लेके बैठना है। तो मैम मैंने तो मतलब लिख दिया है। एक मिनट सारा ब्लू प्लान। आपकी स्कूल में कौन कितने चैप्टर चले टोटल मुझे बता। हाँ टोटल मैम 1, 3, 4, 7 अभी आधा चल रहा है। ओके अभी हमने 1, 3 का तो टेक्स्टुअल लिख दिया ना। हाँ फोर्थ का, फोर्थ का भी लिख दिया मैम। सब लिख दिया शॉर्ट आंसर वगैरह सब? सब मैम फिनिश हो गया। हाँ तो चलो 7 का चालू करो। 7 का तो मैम ऑब्जेक्टिव तो मैंने लिख दिया था, सिर्फ सब्जेक्टिव ही बाकी है। हाँ तो सब्जेक्टिव चालू करो। ओके सब्जेक्टिव में जो, हाँ सब्जेक्टिव चालू करो। आपने कहाँ तक किया? डिफाइन द फॉलोइंग तक किया ऑब्जेक्टिव में? नहीं मैम ऑब्जेक्टिव में तो डिफाइंस कहाँ पे आती है? आपके ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है मैम? रुको वो तो चेक करना पड़ेगा। सौम्य धैर्य पुट टुडेज डेट एंड स्टार्ट राइटिंग फास्ट। ऑब्जेक्टिव में है ना फिलिंग द ब्लैंक्स एमसीक्यू 1 वर्ड आंसर। हाँ बस इतना ही लिख दिया ये आपने? लिख दिया मैम। हाँ तो आगे शॉर्ट आंसर्स लिखो। चलो मैम हमें ऐसा कुछ लिखना है शॉर्ट आंसर वो हमारी टेक्स्ट बुक में से। हाँ आपकी टेक्स्ट बुक में लेसन 4 जैसे निकालो, लेसन 4 में देखो क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल ये तो लिखो, ये इजी है। फिर सेकेंड वाला भी इजी है, थर्ड भी इजी है, फोर्थ, फिर फिफ्थ से फिर मैं बोलूंगी आपको। मैम मैं तो ऐसा कर रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर आंसर लिखूंगा। क्या कर रहे हो आप? एक क्वेश्चन एक आंसर, क्या ऐसे पहले क्वेश्चन तो मतलब क्या है?
क्यों क्वेश्चन आंसर क्यों लिखना होता है कि जब हम रिवाइज करें तो हमको अच्छे से रिवीजन का फाये पहले क्वेश्चन फिर दूसरी जगह आंसर, ये नहीं क्वेश्चन फिर नीचे आंसर, सिस्टम से लिखो। मैम हमें क्वेश्चन ब्लू पेन से और आंसर क्वेश्चन ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से। ओके मैम, और कुछ आए नहीं तो मुझे पूछो। आपका इंग्लिश कौन लेता है? करीना मैम। ठीक है, डेट राइट टुडेज डेट। मैम ये जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है ना उसमें क्या है कि नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेनेट एज होल, मतलब नेम द फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेनेट एज अ होल। प्लेनेट एज अ होल, name two factors that affect the climate of a planet as a whole, matlab planet climate ko kya affect karta hai, samajh mein nahi aaya ma'am, matlab factors likhne hai jo climate ko affect karte hain, climate ko to ma'am weather affect nahi karta, aur weather ko climate na, एक मिनट मैम, द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस को हिल रहा है बहुत, मैम नाउ इज इट इज विजिबल, नहीं क्लियर नहीं दिख रहा है, हाँ मैम थोड़ा ब्लर है, बहुत ब्लर है, थोड़ा नहीं, दो मिनट मैम मैं क्लियर कर देती हूँ। मैम अभी क्लियर है? हाँ, ऊपर का क्वेश्चन दिखाओ फिर से। देखो इसमें क्या नेम टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट, ये ए है और ये बी है मैम, देखो ये ए है और ये बी है, तो टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस में उसमें तो देखो ये जो क्लाइमेट है अर्थ एज अ होल है ना उसमें दो है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सन और दूसरा है अर्थ टिल्ट, अर्थ हाँ टिल्ट, वो दोनों एग्जांपल में लिख देना है ना, हाँ हाँ, और टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस में
हाँ मैम है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अर्थ, तो उसमें पहला एग्जांपल है इट हैज बीन पीरियड्स, दो मिनट मैम, पीरियड्स मैनर्स एक्सट्रीमली, हाँ मैम कोल्ड है एज अ आइस एजेस, तो वो वाला आएगा व्हेन लार्ज एरियाज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ आइस, नहीं वो तो नहीं आ सकता. इसमें दिया है डिस्टेंस फ्रॉम द सन और अर्थ टिल्ट, ये दोनों फैक्टर्स है. नहीं मैम उसके पहले वाला आप देखो, उसके पहले वाला है ना ये फैक्टर्स वाला है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ वाला. हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ. नहीं मैम देखो मेरे पास ये जो बुक है ना ये देखो मैम, देखो इसमें है ना क्लाइमेट ऑफ द अर्थ एज अ होल और उसके पहले हाँ. वाला ये है देखो. हाँ तो हमको वो वाला देखना है सुहानी, ये वाला. हाँ क्योंकि क्वेश्चन वो है तो मैं ये रहा ना टेम्परेचर वाला फ्रॉम द सन, ये रहा ना डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड अर्थ स्टिल, ऊपर आंसर दिया ही है सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट एज अ, उसके ऊपर ऊपर हाँ ये देखो. हाँ वो पूरा लाइन पढ़ो उसमें ही आंसर है. Some of the factors that affect the climate of Earth as a whole from distance from the sun and Earth tilt. हाँ ओके तो फिर मैम टेम्परेचर वाला. टेम्परेचर इन अ प्लेस नीचे दिया है उसमें स्कूल में लिखवाया है क्योंकि इसमें कहीं है ही नहीं. सही बात है मैम. मैम को हाँ मैम है क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस है, क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस है. फिर मैम वेदर ऑफ अ प्लेस है ना, बस इसमें तो नहीं है मैम. मैं तो मैम से पूछ रहा हूँ क्योंकि इसमें भी कोई दिख नहीं रहा है. ओके मैम तो मैम वो बी वाला है वो रहने दो ना, टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस. ओके मैम सैरिया सौम्य लिख रहे हो? यस मैम. यस मैम. वीडियो क्यों ऑफ है? तो मैम मुझे तो मेरी पेन नहीं मिल रही है. मैम मैम मुझे एक आंसर नहीं मिल रहा है. The hotness of an object is determined by its, वो नहीं मिल रहा है. तो कौन सा वाला है क्वेश्चन? ब्लैंक मैम फर्स्ट फिंग टेम्परेचर, आंसर इज टेम्परेचर.
सौम्या लिख रहे हो? यस मैम। ओके मैम। मैम देखो ये मैच द फॉलोइंग में डार्क कलर्ड क्लोथ आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग, तो मैम उसमें समर आएगा ना, डार्क क्लोथ में समर आएगा और लाइट क्लोथ में विंटर आएगा, है ना मैम? डार्क कलर क्लोथ पहनते हैं बेटा, उसका उल्टा मैम। मैम ये एमसीक्यूज में डायरेक्ट आंसर लिख दे तो चलेगा मैम? मैम मुझे लगता है कि वो है ना पूरा क्वेश्चन लिख ही नहीं रहा है। मैम मैं लिख रहा हूँ, धैर्य देखो अच्छे से लिख रहे हो। मैं चेकिंग में मेरे पास बुक आएगी फिर से सब 10-10 टाइम्स लिखवाऊंगी। यस मैम। मैम थर्ड वन में द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री, तो मैम उसके बाद क्या फारेनहाइट ऐसा लिखना है? डिग्री सेल्सियस। मैम सेल्सियस का स्पेलिंग CELCIUS। मैम धीरे धीरे बोला ना। सी बोलो इसमें ना क्या क्वेश्चन पूछा है पता है कि व्हाई डू सम बर्ड्स लीव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट शो माइग्रेशन, पर इसमें तो माइग्रेशन का कोई टॉपिक ही नहीं है लेकिन कॉमन सेंस है क्यों नहीं है? वो आर्कटिक टर्न्स वाला जो बर्ड था वो माइग्रेट करता ही है ना। कौन सा वाला मैम? कोई बर्ड था ना जो माइग्रेट करता है। रुको मैम 2 मिनट।
है टॉपिक माइग्रेशन का। ओ आर्टिक बर्ड। हाँ पर इसमें तो माइग्रेट लिखा ही नहीं है कहाँ पे। आर्टिक बर्ड में तो मैम लिखा ही नहीं है कहीं पे भी कि वो माइग्रेट करता है। मैम आप मुझे सेल्सियस का स्पेलिंग बोल रहे थे धीरे धीरे। CELSIUS ओके मैम मिला आपको? रुक मैं ढूंढती हूँ। हाँ मिला। कहाँ पे है मैम? आर्टिक बर्ड्स है ना वो पैराग्राफ में ही है नीचे देख। नहीं है मैम। अरे ये रहा आर्टिक टर्न्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन ड्यूरिंग विंटर एंड रिटर्न ओनली आफ्टर समर बिगिंस टू सेटल। नहीं है तेरे में? नहीं है मैम। है इसमें तो वो वाला पेज पढ़ तो तू नीचे का पैराग्राफ पढ़ तो। आर्टिक बर्ड वाला? हाँ आर्टिक बर्ड सच एज टर्मिगियंस हैव फीदर्स अप टू देयर फीट टू कीप देयर बॉडी वार्म। दिस टर्मिगियंस स्टे इन द आर्टिक ऑल ईयर वेयर एज सम बर्ड्स सच एज स्नो गीस एंड आर्टिक टर्न्स टू वार्मर रीजन ड्यूरिंग द विंटर एंड रिटर्न only after the summer begins to settle in. तो आया नहीं? Snow geese and arctic terns migrate. कहाँ मैम terns के बाद तो to warmer region during the winter. तो terns मतलब migrate ही हुआ मेरी book में migrate दिया है। Migrate means एक जगह से दूसरी जगह जाने का। और तेरा जो question है वो logic वाला ही है similar ही है। ओके मैम। मैम मतलब टर्न्स ही माइग्रेट है? हाँ यस हाँ मैम ये एमसीक्यूज में है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्वेश्चन लिख रहे हैं फिर उसका डायरेक्ट आंसर। हाँ, हाँ, चलेगा। मैम तो उसमें पूरा पैराग्राफ लिखना है? नहीं क्वेश्चन क्या है खुद ही बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है व्हाई डू बर्ड्स लीव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स शो माइग्रेशन। तो दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन ड्यूरिंग विंटर एंड रिटर्न ओनली आफ्टर समर बिगिंस टू सेटल इन बिकॉज़ दे कैन नॉट बेयर सीवियर कोल्ड। मैम सीवियर मतलब बहुत ज्यादा ठंडी। हाँ और मैम आप स्टार्टिंग में क्या बोले थे? दे स्टार्टिंग में जो ये है ना स्नो गीज एंड आर्कटिक टर्न्स मूव टू उसके बाद जो वार्मर रीजन है ना वार्मर रीजन से सेटलिंग तक लिखना है। दे वार्मर रीजन They go to warmer region. Migrate to warmer region during the winter and return only after summer begin to settle in to save themselves from severe cold. To
former region during. Okay, ma'am. During the winter after the summer begins to settle in. अब हम settling के बाद हम ये लिख दे कि and they also can't ma'am One liter of water at 30 degrees Celsius okay, ma'am. Is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixer will be, ma'am, 80 degrees Celsius. I got 8th question, ma'am. 1 minute, mujhe question dekhne do. Ma'am, 80 degrees Celsius aayega, mujhe aisa lagta hai. एक मिनट एट नंबर का है ना बिटवीन 30 and 50 डिग्री सेल्सियस आएगा मैं पर कैसे देखो 1 liter ऑफ वाटर एट 30 डिग्री इज मिक्स्ड विद 1 liter ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी बिटवीन बोला है आपने क्या कर दिया है दोनों को प्लस कर दिया है लेकिन ऐसा बोला है कि 1 liter ऑफ वाटर एट 30 डिग्री मिक्स्ड विद 1 liter ऑफ वाटर एट 50 डिग्री तो फिर उसका मिक्सचर कहाँ होगा तो बिटवीन 30 to 40 बराबर तो है 30 to 50 बराबर तो है यस मैम मैम yes. अगर हम ऐसा सोचे कि ये जो है ना हमारा अर्थ अगर वो ऐसे चारों दिशाओं में ऐसे पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 घूमता रहे तो फिर हमको तो कितनी मजा आ जाएगी नहीं ये क्या क्वेश्चन होगा सुमानी मैम क्वेश्चन नहीं मैं तो सिर्फ कह रही थी मैम हम कभी है ना दुनिया के ऊपर जाके हम दुनिया में चल नहीं सकते मैम क्या क्या मैच द फॉलोइंग में हम डायरेक्ट आंसर लिख दे हाँ चलेगा चलेगा मैम हाँ हमें ना कभी दुनिया के ऊपर जाके मतलब हमारे प्लेनेट के ऊपर जाके प्लेनेट पे चल नहीं सकते है ना हाँ नहीं चल सकते क्योंकि मैम वहां पे जीरो ग्रेविटी होती है नहीं अरे नहीं मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अगर हम प्लेनेट के बाहर निकल जाएंगे बराबर
हाँ हमारा जो अर्थ प्लेनेट है ना उससे हम बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर चल नहीं सकते, क्योंकि वहां पे अगर चलेंगे ना तो सीधे के सीधे नीचे गिर जाएंगे, है ना मैम? मैम फिर तुम्हें व्यू कितना अच्छा होगा, नहीं पैराशूट जीरो लेकर जाएंगे। ग्रेविटी होती है तो हम उड़ेंगे, और उड़ेंगे तो गिरेंगे कैसे वो बता पहले। ये वो पागल हो गया है क्या? उसके प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स अच्छा होते हैं ना उसकी 1-2 किलोमीटर तक, वो जब पे ऐसे गोल होता है ना तो उसके बाहर 1-2 किलोमीटर तक है ना उनकी ग्रेविटी होती है। हाँ, तो वहां पे मैम चलेगी। यस मैम वो लास्ट के लास्ट लेक्चर में सुहानी ने कहा था कि इक्वेटर कहाँ पे है, वो मैंने एसएस के मैम को क्वेश्चन किया था, और फिर हाँ, मैम ने तो क्या मैम ने कहा कि वो तो सिर्फ वो क्या बोलते हैं, वो हम सिर्फ समझते इमेजिनरी हैं। लाइंस है। यस मैम, वो इमेजिनरी लाइंस है। मैम ये सब तो मैंने किया हुआ है मैम। ये मैच द लास्ट का जो मैच द फॉलोविंग है, ये एमसीक्यूज है, वो सारा लिखा हुआ है। मैंने तो मैम फिर से लिखना शुरू कर दिया, मैंने चेक किया ना पीछे, तो मैंने लिखा हुआ है ये। अच्छा मैम और मैं एक बात हाँ बताऊं, तो हाँ मैम मैं रहने दू, मैंने एक बार लिख मैम मैम क्वेश्चन अंक अपना लिख दो, क्वेश्चन 1, 2, 5 ये वाले लिख दो, 1, 2, 5, 7 ये सब लिख दो। ये मैं आपको एक बात सब कहूं जिसमें आप है ना बिलीव ही नहीं करोगे। तो फिर क्यों कहती है? नहीं पर कह रही हूं ना। बोलो। बहुत ही अमेजिंग बात है मैम। मैं मेरा हो गया। क्या लेट्स कितनी मस्त रिमेम्बर बात एक दो कही चलो सुहानी, क्या मैम? लेट्स रिमेम्बर। ओके मैम। मैम मुझे फर्स्ट वन का आंसर नहीं मिल रहा था, मैंने याद नहीं किया। स्कूल में लिखवाया नहीं है? मैम अभी तक हमारा फोर्थ चैप्टर आधा चल रहा है, कहाँ से आया होगा। अच्छा ठीक वरना मैम मैं पूरे का पूरा लिख देता, उसमें ये टेक्सचुअल सॉल्यूशन में यही आता है। है, उसमें सिर्फ है ना वो डिफरेंस करना है, वो क्लिनिकल अरे वो तो पता है क्या करना है, वहां पे वो घूमता थर्मोमीटर के सेंटेंस लिखने हैं 2-3, ऐसा ही करना है सिर्फ। है। हाँ तो चलो मैं लिखवाती हूँ। मैम लिखो। सिमिलैरिटीज लिखनी है, हाँ डिफरेंस सिमिलैरिटी मैं लिखवाती हूँ, सिमिलैरिटीज भाई तेरे बोल रहा है, डिफरेंशिएट करना है। दोनों लिखना है दोनों। यस मैम। मैम आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं हुआ ना? ना मैंने बोला ही था आपको बिलीव नहीं होगा। सुहानी सुहानी चलो सिमिलैरिटीज लिखो धैर्य सौम्य। यस मैम सिमिलैरिटीज बोथ हैव अ बल्ब एट वन एंड, बोथ हैव ओ मैम क्या, बोथ हैव अ बल्ब एट वन एंड, बोथ बल्ब एट वन एंड, कंटेन्स मर्क्यूरी इन बल्ब, बोथ मर्क्यूरी इन बल्ब, इन बल्ब बोथ यूज बोथ मैम क्या, बोथ यूज
सेल्सियस स्केल मैम वो यूज के बाद क्या बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन ग्लास ट्यूब मैम वो ग्लास ट्यूब हाँ बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन ग्लास ट्यूब मैम अब डिफरेंस लिखो डिफरेंस तो पता है ना यस मैम वन सेकेंड ट्राई करो मैम ऐसा है बोथ हैव डिफरेंट नंबर टू मैम ऐसा ही लिखना बोल ले तू पहले बोल मैं ऐसा लिखना है ना कि वो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या काम करता है और ये थर्मोमीटर क्या काम करता है ऐसा ही लिखना है ना सिर्फ मैम दोनों एक ही तो काम करता है टेम्परेचर को ढूंढना मैम इसमें इसकी हैबिट और एडेप्टेशन में क्या लिखूं क्या है ये मैम ये कंगारू रेट है कंगारू रेट तो है ना टेक्स्ट बुक में मैम है पर ऐसा अलग से दिया हुआ नहीं है कि इसकी हैबिट ये है और इसकी हैबिट ये हैबिटेट है हैबिटेट मतलब जहां वो रहता है मतलब डेजर्ट में हैबिटेट में लिखो बरो बरो मैम हाँ बरो और अडेप्टेशन मतलब वो लोग क्या अडॉप्ट करते हैं वो ना इंटेंसिटी ऑफ वाटर या तो स्लीपिंग अवे द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ समर इंटेंसिटी ऑफ वाटर आ सकता है हाँ हाँ Intensity of water. Intensity of what? हाँ एक तो ये लिखो धैर्य सौम्य के अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर 35 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस और लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज माइनस 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस एक पॉइंट ये आएगा मैम धीरे धीरे बोलो अभी धीरे क्या खुद से बनाओ सेंटेंस अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर खुद से बनाओ थोड़ा धैर्य लिख रहे हो धैर्य आर यू राइटिंग यस मैम मैम आप फिर से बोला ना बहुत A clinical thermometer reads temperature 35 degree Celsius to 45 degree Celsius. 45 degree Celsius to while 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 the range of laboratory thermometer is while the range of laboratory thermometer is minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. While the range of laboratory thermometer is minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Minus 110. Minus 110. Done, ma'am. Point likho. Ma'am, 2, kitna hai bola? 101 degree Minus, Celsius. Minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. इसका सेकेंड पॉइंट लिखो
क्लिनिकल थर्मोमीटर has a kink near the bulb. Has a kink near the bulb. While there is no kink in laboratory thermometer. मैम मेरा हो गया अब आपकी स्कूल में कौन सा क्या चल रहा है? सेवन चैप्टर खत्म हो गया? आधा ही खत्म हुआ है मैम, आधा बाकी है। आपकी स्कूल में फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सब लिखवा दिया सुहानी? फोर्थ चैप्टर का लिखना पड़ेगा मैम। लिखवा दिया हो तो ट्यूशन बुक में होमवर्क में लिख देना। ओके मैम। मैम और सारे चैप्टर के फर्स्ट सेकंड मतलब फर्स्ट अभी सेकंड तो सर ने कराया नहीं है, मतलब फर्स्ट थर्ड फोर्थ और ये इसका भी शायद दो सेवन हाँ सेवन का फिर बाद में लिखवाएंगे, अभी तो नहीं लिखवाया। तो फिर इतने चैप्टर्स का वो कर दे, थ्री चैप्टर्स है तो उसका लिख देना है ना, लॉन्ग या शॉर्ट? शॉर्ट लॉन्ग दोनों, अगर टाइम है तो लॉन्ग भी लिख ही देना, ऑब्जेक्टिव चलेगा। डेरियस ने लिखा द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज अ किंक नियर द बल्ब व्हाइल देयर इज नो किंक इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। दिखाओ अभी धैर्य सौम्य कितना लिखा, सुहानी आप भी दिखाओ। हाँ मैम क्यों नहीं, मैं दिखाती। मैम मेरे है ना दो क्वेश्चन आंसर्स बाकी है, बाकी सब लिख लिया। मैम ये देखो ये फीन द ब्लैंक, ये एमसीक्यू थर्ड स्नेच। मैंने आपने बोला कि मैंने लिखा हुआ है तो मेरे को वो फर्स्ट क्वेश्चन का वो ढूंढना है। लिख दिए मैम। हाँ ओके अभी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय मैम। बाय 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 मैम। बाय साक्षी मैम को होस्ट बनाना। बाय। साक्षी मैम तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। मैम आपको फोन करके उनको बुलाना था, उन्होंने बोला था कि मैं उन्हें होस्ट बना देना। यस मैम आपको है ना उनको बुलाना था और बाद में वो उनको होस्ट बनाना था। वो दिख ही नहीं रहे हैं तो कैसे बना? साक्षी